इस स्प्लेंडर पर एक बार नज़र मारिए, क्या पता आपके भाई मन बदल जाए। भाई ये स्प्लेंडर आपको काफ़ी अच्छा भाई एक्सपीरियंस देने वाली है। भाई एक्सटेक भी इसके सामने कुछ नहीं लगने वाली है। भाई आप यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि स्प्लेंडर भाई पूरी तरह से चेंज हो चुकी है क्रोम फिनिशिंग वाला, लेकिन ये अब चेंज कर दिया चुका है। ठीक है, आप भाई मोड्स करवाते हो, आपको मोड्स देगी कंपनी। तो देखो ये दिया है यहाँ पर भाई आपको, भाई आफ्टर मार्केट वाला भाई देखने का, इसमें डिजिटल वाला एक्सटेक वाला लगा देते तो और भी अच्छा मज़ा खड़ा हो जाता। लेकिन भाई अपने क्लॉक मीटर का भी भाई अपना ही एक अलग रुतबा है भाई, जब ये सुई ऊपर चढ़ती है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? तो यार आज अपन लोगों के सामने जो बाइक खड़ी है वो स्प्लेंडर का बिल्कुल न्यू वेरिएंट है भाई, न्यू मॉडल विद न्यू अपडेट्स, और साथ ही साथ भाई आपको मोड्स जो चाहिए थे, मॉडिफिकेशन साथ ये न्यू मॉडल आया है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, स्प्लेंडर 01। तो भाई ये स्प्लेंडर 01 करके न्यू मॉडल आया है, जिसका मतलब है स्प्लेंडर नंबर 1 मॉडल है ये अब तक का। ठीक है भाई, आप लोग सोचते हो ना कि कौन सी बाइक लें भाई, एक्सटेक लें या ये वाला डिजिटल मीटर वाली लें, क्लॉक वाली लें? तो भाई इस स्प्लेंडर पर एक बार नज़र मारिए, क्या पता आपके भाई मन बदल जाए। भाई ये स्प्लेंडर आपको काफ़ी अच्छा भाई एक्सपीरियंस देने वाली है। भाई एक्सटेक भी इसके सामने कुछ नहीं लगने वाली है। भाई आप क्या ही ग्राफिक्स ले लो भाई, क्या मॉडिफिकेशंस ले लो भाई, क्या इसके भाई और भी चेंजेस जो इसमें दिए गए हैं, मैट भाई फिनिशिंग दी गई है साथ के साथ। तो एक एक चीज़ के बारे में खुल के बात करते हैं भाई, क्या क्या हमारे को भाई क्लस्टर्स देखने को मिलेंगे, भाई i3s देखने को मिलेगा, फीस BS6 है या नहीं है, तो हर एक चीज़ डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले भाई आप लोग इस बाइक पे एक बार नज़र मार लीजिए भाई, क्या ही प्यारा लुक लग रहा है भाई, इतनी गजब बाइक भाई स्प्लेंडर में इस तरह का भाई ग्राफिक्स मैंने सोचा नहीं था भाई हीरो वाले कि इतना कुछ भाई चेंज करके अपन लोगों को भाई देने वाले हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि स्प्लेंडर भाई पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। इसमें भाई अगर मैं आपको शुरुआत में बताऊँ तो जो भाई इसका जो ग्राफिक्स हैं भाई वो स्प्लेंडर में दिखने वाले हैं आपको 01 करके, और जो हीरो की बैजिंग आपको दिख जाएगी भाई, जो कि बिल्कुल एक्सटेक जैसा हमारे को फील देती है। और भाई जो इसका भाई होता है ना कि हमारे जो ये एक्सटेक है इसमें भाई जो पीछे का ये टेल का ये जो काउल सा रहता है इस पर भाई ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलते, पर इसमें आपको इस पर भी ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसके भाई इंजन की CC की भी बात करेंगे भाई, पावर एनहेंस हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक एक चीज़ देखते हैं। तो भाई सबसे पहले इसके अपन लोग ग्राफिक्स के ऊपर बात करेंगे, तो सबसे पहले आप पूरी बाइक के एक बार भाई ग्राफिक्स देख लीजिए, अच्छे से भाई समझ लीजिए भाई, अपने मन में संतुष्टि कर लीजिए भाई ये बाइक भी बहुत अच्छी है। आपको भाई बता दूँ सीधे सीधे से, ये जो बाइक है भाई ये डिजिटल मीटर में नहीं है, लेकिन एक्सटेक को भाई पूरी तरह से टक्कर देगी। ठीक है, लुक के मामले में, हालांकि ये क्लॉक मीटर में आपको देखने को बाइक मिलेगी, और इसके भाई जो हेड के अगर सीधे के सामने से देखें तो भाई मैट फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाएगी, और ये जो आगे वाला जो भाई रेड टायर है उसका भाई जो ऊपर का मरघाट है वो भी भाई मैट फिनिशिंग में देखने को मिल जाएगा, आपको काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करेंगे। साइड में अगर आप टैंक पर देखें तो स्प्लेंडर की बैजिंग हीरो के साथ 01, आप अगर यहाँ पे देखो तो 01 लिख के आएगा, यानी कि ये नंबर 1 मॉडल है अब तक का। भाई एक्सटेक भी इसके सामने कुछ नहीं है। ठीक है, और अगर वहीं बात करें कि इस बाइक का जो चेन कवर है भाई वो अपने को भाई कैसा देखने को मिलता है, अगर चेन कवर के ऊपर अगर अपन लोग बात करें तो भाई वो ग्लॉसी कलर यानी कि ग्लॉसी फिनिशिंग में दिख जाएगा। यानी कि ये बाइक जो आपको दिखाई दे रही है भाई न्यू ग्राफिक्स हैं, बिल्कुल अपडेट दिया गया है। ठीक है, सारा मामला इसमें, और जो भाई इसमें फिनिशिंग दी गई है मैट फिनिशिंग दी गई है और जो ग्लॉसी फिनिशिंग है उसके साथ भाई आपको ये देखने को मिलती है। ठीक है, और भाई अगर भाई इस बाइक की सीट के बारे में हम बात करें तो भाई सीट वही नॉर्मल अपन लोगों को भाई देखने को मिलती है जो कि भाई नॉर्मल स्प्लेंडर और एक्सटेक में देखने को मिल जाती है। ठीक है, सेम टू सेम वही बाइक रहने वाली है, मतलब कि सीट वैसे ही रहने वाली है, लेकिन सीट की जो ये सिलाई है भाई वो बिल्कुल एक्सटेक से और भी ज़्यादा इन्हेंस अलग करी गई है। और अगर आप थोड़ा पीछे से इसको लुक को देखो तो भाई पीछे की जो ये टेल लाइट रहती है भाई ये टेल लाइट भी नॉर्मल रहने वाली है। ठीक है, डिब्बे वाली, और जो भाई इसके इंडिकेटर्स के भाई जो ग्लासेस हैं भाई वो अपने एक्सटेक की तरह भाई मॉड्स की तरह भाई कर दिए गए हैं, वाइट कर दिए गए, वरना नॉर्मल में भाई ये स्टॉक में जो आता है वो रेड वाले आते हैं। ठीक है भाई, टी भाई ट्रांसपेरेंट देखने को मिलेंगे, वाइट वाले स्टॉक में भाई रेड के आते हैं। ठीक है, और जो पीछे का भाई ये जो सबसे बड़ा जो भाई इसमें चेंज किया गया है, आप ये देख लो जो पीछे का भाई ये जो ग्रैब हैंडल होता है जो कि अपने नॉर्मल भाई किसी भी स्प्लेंडर में देखने को मिलता है भाई, वो कुछ ये वाला देखने को मिलता है क्रोम फिनिशिंग वाला, लेकिन ये अब चेंज कर दिया चुका है। ठीक है, आप भाई मोड्स करवाते हो, आपको मोड्स देगी कंपनी। तो देखो ये दिया है यहाँ पर भाई आपको, भाई आफ्टर मार्केट वाला भाई देखने को मिलेगा, भाई सिंगल वाला ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा। आप लोग सोचो भाई ये प्लास्टिक प्लास्टिक या किसी अदर मटेरियल का बना हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, काफ़ी मजबूत रहने वाला है, नहीं टूटने वाला है, मेटल का बना हुआ है आपको बता दूं। तो भाई मजबूती हमारे को अच्छे से दी गई है इसमें, जो कि भाई ज़्यादातर हमें HF डीलक्स में देखने को मिलता है, पर वहाँ पे भी मेटल का आपको प्रोवाइड नहीं किया गया था जाता है। और भाई अगर अपन लोग भाई साइड जाली की बात करें तो साइड जाली भी काफ़ी मजबूत क्वालिटी की दी जाती है, जो कि भाई बिल्कुल नई की नई प्रोवाइड की गई है कंपनी की तरफ से। और भाई अगर आपको दिखाते हो और जो साइलेंसर होता है, साइलेंसर पर भाई मफलर प्लेट वही देखने को मिलेगी जो कि अपनी एक्सटेक में ये वाली जो देखने को मिलती है। ठीक है भाई।
दोस्तों इसके भाई अभी डिजिटल जो इसका मीटर है भाई, इसके मीटर कंसोल को भी देखते हैं क्या उसमें कोई चेंजेस किया गया है या नहीं किया गया। इसके क्लस्टर को भी देखेंगे और इसका भाई थ्रोटल भी सुनेंगे एक बार, इसका एग्जॉस्ट का साउंड कैसा भाई। साउंड में थोड़ा चेंज किया गया है एग्जॉस्ट में, मुझे जहाँ तक लगता है जो मैंने सुना है भाई, आपको भी सुनाते हैं ठीक है। उससे पहले आप और दो तीन चीज़ें देख लीजिए। जो भाई लेग गार्ड दिया गया है भाई, वो एक्सटेक वाले लेग गार्ड जैसा ही है, लेकिन थोड़ा मेरे को यहाँ पर ये वाइड देखने को लग रहा है ठीक है, इस भाई इस वाले न्यू मॉडल में ठीक है। यहाँ पर पावर स्टार्ट का आपको फीचर वही से एज इट इज़ देखने को मिलेगा भाई, जो कि प्रोग्राम FI फंक्शन, फ्यूल इंजेक्शन फंक्शन आपको देखने को मिलता है ठीक है। और जो अगर इसके इंजन की बात करें तो इंजन भाई पूरी तरह से 100 सीसी का तो नहीं है, 97.5 सीसी में भाई आपको इंजन मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी पावर प्रोड्यूस कर देगा इस सेगमेंट में ठीक है भाई। और जो भाई बात करें अगर फुट रेस्ट की, तो भाई ये नॉर्मल फुट रेस्ट देखने को आपको मिलने वाला है। और वहीं दोस्तों अगर इसके टैंक की बात करें तो देखो भाई टैंक का कुछ लुक इस तरह से भाई लगने वाला है भाई, क्या ही ग्राफिक्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, बिल्कुल एक्सटेक की तरह ग्राफिक्स दिए गए हैं इसमें। लेकिन एक्सटेक में क्या था भाई, हेड से लेके भाई पूरी टेल तक भाई ग्राफिक्स नहीं दिए गए थे ठीक है, क्योंकि टेल पर भाई जो ये टेल के भाई ये ऊपर लगा रहता है भाई, ये काउल्सा जो भी कह लो, इस पर ग्राफिक्स नहीं थे। लेकिन इसमें आपको उसमें भी ग्राफिक्स मिलते हैं और भाई मैट फिनिशिंग आपको देखने को मिलती है, सिल्वर कलर देखने को मिलता है, सिल्वर और वाइट कलर का भाई कॉम्बिनेशन कितना मस्त लग रहा है। और आप ये टैंक पर देख लीजिए एक बार और मीटर का भाई एक बार देख लीजिए ठीक है। तो देख लीजिए टैंक पर भाई आपको E20 फेज में दिखाई देती है, यानी BS6 जो है फेज 2 में आपको देखने को मिलती है। आप इसमें एथेनॉल वाला पेट्रोल E20 इसलिए करवा सकते हो, BS6 में आपको देखने को मिलेगी ठीक है भाई। अगर अपन लोग भाई बाइक के दोनों आगे पीछे के भाई अलॉय व्हील्स के बारे में बात करें तो भाई अलॉय व्हील्स एक्सटेक की तरह भाई पूरे ऑल ब्लैक में देखने को मिलेंगे हमारे को आगे से पीछे तक। और भाई जो ड्रम ब्रेक है भाई वो आपको 130mm वाली मिलेगी, जो कि नॉर्मली स्प्लेंडर में आपको देखने को मिलती है। रेयर और फ्रंट दोनों ही टायरों में आपको 130mm की भाई ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगी भाई। एक चीज़ देखने को नहीं मिलती है वो जो भाई एक्सटेक की तरह अगर भाई इसमें जो लाइट रहती है आगे DRL जो दिया जाता है भाई वो लगा देते फिर तो भाई मज़ा ही आ जाता भाई। आपको भाई ये चाहिए, आप किसी भी हाइट के हो, चाहे भाई आपकी हाइट 5 फुट हो, 6 फुट हो, कुछ भी हो भाई, आपको अच्छा भाई सरफेस बैठने को इसमें देखने को मिल जाएगा। हाइट का कोई इशू होने वाला नहीं है आप लोगों को भाई, आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे भाई किस कोई भी एज वर्ग हो आपका भाई, आप 18 साल के हो, चाहे आप भाई 30-34 के हो, पर आपको भाई ये बाइक 100% पसंद आने वाली है भाई। मैं मानूँ तो मेरे मामले में भाई एक्सटेक से ज़्यादा अच्छी मुझे ये लगी। अगर इससे पहले आई होती तो भाई हम ज़रूर इसको परचेज करते ठीक है। अब चलो सबसे पहले इसका भाई डिजिटल मीटर देखते हैं, इसके मतलब डिजिटल मीटर तो नहीं है, जो इसका भाई मीटर कंसोल है उसकी तरफ चलते हैं भाई। एक्सटेक के मुकाबले भाई इसमें जो क्लॉक वाइज मीटर कंसोल दिया जाता है उसमें देखिए, ये कुछ इसके मीटर कंसोल का भाई इंटरफेस रहने वाला है, जो कि भाई आपको क्लॉक वाइज देखने को मिलेगा ठीक है। हालांकि अगर इसमें डिजिटल वाला एक्सटेक वाला लगा देते तो और भी अच्छा मज़ा खड़ा हो जाता, लेकिन भाई अपने क्लॉक मीटर का भी भाई अपना ही एक अलग रुतबा है भाई, जब ये सुई ऊपर चढ़ती है तो मज़ा ही आ जाता है ठीक है। तो यहाँ पे अगर डिजिटल कंसोल में देखो तो आपको जो ये चाबी दी जाती है भाई बिल्कुल ऑल न्यू चाबी है ये ठीक है अपने स्प्लेंडर की। और इसको भाई डालते ही आपको भाई यहाँ पे एक स्पीडोमीटर अलग से दिखाई दे जाएगा ठीक है। यहाँ पे आपको न्यूट्रल की लाइट दिख जाएगी, इंजन चेक लाइट दिख जाएगी, हाई लो बीम लाइट दिख जाएगी, इंडिकेटर टर्न ऑन का भाई अलग अलग सिंबल्स दिख जाएंगे ठीक है। इसके साथ साथ भाई आपको एक्सटेक की तरह इसमें आप USB लगा के भाई मोबाइल चार्ज भी कर सकते हो, चार्जिंग पोर्ट भी इसमें अलग से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ठीक है। और इसमें अगर भाई मतलब कि भाई बाइक के क्या ही कहने, हर एक चीज़ से भाई भरपूर दिया जाता है। और एक और चीज़ भाई दोस्तों आपको बताने को रह गई है, जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो आपको कॉम्बाइन ब्रेकिंग सिस्टम दिया जाता है ठीक है। मतलब कि अगर आप भाई जो जो पीछे वाला ब्रेक है, जो पैर वाला ब्रेक है, अगर उसे प्रेस करोगे तो भाई दोनों ही टायर सील होने वाले हैं। ये सील कॉम्बाइन ब्रेकिंग सिस्टम CBS भाई सिस्टम आपको दिया जाता है ठीक है, और ये जो कि एक्सटेक में भी आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों एक और चीज़ भाई बहुत मेन है जिसके बारे में जानना आपके लिए भी जरूरी है, जैसे कि अपने एक्सटेक में भाई जो मीटर वायर यानी स्पीडोमीटर पे जो स्पीड लिमिट शो करता है भाई, उसकी वायरिंग जो करी गई है भाई रेयर वाले मतलब पीछे वाले टायर से करी गई है ठीक है। लेकिन जो भाई ये जो न्यू मॉडल आया है स्प्लेंडर 01 करके, जो ये न्यू मॉडल है भाई, इसमें जो मीटर की वायर है आपको साइड में यहाँ पे दिखाई देखने को मिल रही होगी भाई, ये आगे वाले ही टायर में मतलब फ्रंट टायर से भाई कनेक्ट करी गई है, तब आपको जाके भाई स्पीड लिमिट शो होने वाली है। हालांकि भाई जो पुरानी स्प्लेंडर्स जो एक्सटेक को छोड़कर बाकी सभी स्प्लेंडर्स में आपको भाई जो मीटर वायर है जो स्पीड लिमिट के लिए दिखाई जाती है वो आगे वाले टायर से ही देखने को मिलेगी, जो कि भाई काफ़ी हद तक भाई इसकी डिसएडवांटेज लगती है भाई। हालांकि ख़राब हो जाती है असल में आपको भाई, आपको एक्सपीरियंस होगा अगर आपके पास भाई पुराना स्प्लेंडर है, और सबके पास ही ज़्यादातर भाई देखने को मिलती है। हाइस्ट सेलिंग बाइक है ये ठीक है। और इस एक्सटेक में भाई आप ये बताइए कि क्या इसमें भाई जो मीटर का जो स्पीडोमीटर का कनेक्शन है वो पीछे वाले टायर से होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था।
बात करी जाए जो इसमें भाई हेडलाइट दी गई है, टेल लाइट दी गई है और इंडिकेटर्स दिए हैं, तो इसमें बल्ब या एलईडी दी गई है, तो भाई उसमें एलईडी नहीं दी गई है भाई, इसमें हैलोजन बल्ब्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि नॉर्मली स्प्लेंडर, एक्सटेक और बाकी अदर नॉर्मल मॉडल्स में आपको देखने को मिलते हैं। वहीं अगर आप साथ ही साथ ये देखें कि ये जो भाई इसके गियर भाई शिफ्टर्स होते हैं भाई, वो भी क्रोम फिनिशिंग में दिए गए हैं, बाकी सभी चीज़ें भाई नॉर्मली आपको क्रोम फिनिशिंग में देखने को मिल जाती है, ठीक है। और भाई आपको अगर बात बताएं तो बाइक में कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो प्लास्टिक का प्रोवाइड दिया गया हो, जो चेन कवर है वो भी मेटल में ही प्रोवाइड किया जाता है ग्रैब हैंडल के सही टैंक पर। आपको E20 की फिनिशिंग के साथ साथ आपके ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाते हैं, और जो भाई पेट्रोल का भाई जो ये कवर रहता है भाई, इस पर भाई आप किसी भी भाई कोई भी स्प्लेंडर का आप मॉडल दिखा उठा लीजिए, उस पर आपको भाई इस पर कोई भी ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो 0.01 मॉडल है, इसमें आपको इस टैंक के भाई पेट्रोल कवर पर भी जो आपको भाई ग्राफिक्स देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें पूरी बॉडी लाइन पर भाई ग्राफिक्स इस लुक में भाई पूरे अच्छे स्पोर्टी सा लुक लगता है भाई। एक स्टूडेंट की ड्रीम बाइक ये पूरी कर सकती है भाई, उसकी फुलफिल, ठीक है भाई। तो इस बाइक में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भाई कभी कंपनी ने छोड़ दी, हालांकि भाई डिजिटल मीटर ऐसा लगता है, लेकिन डिजिटल मीटर भी होना आवश्यक नहीं है भाई। आपको अगर भाई इस सस्पेंशन की बात की जाए तो भाई नॉर्मल सस्पेंशन ही आपको देखने को मिलते हैं भाई, मैट फिनिशिंग के साथ आपको दिखाई देने को मिलते हैं। और इसमें भाई एक चीज़ की कमी रह जाती है, जो भाई रेयर और फ्रंट वाले भाई टायर्स हैं, इनमें भाई ऑलरेडी भाई कंपनी की तरफ से भाई जो फिनिशिंग आती है भाई, जो रिम टेप्स वाली, वो फिनिशिंग देखने को नहीं मिलती है अपन लोगों को। बाकी बात करें वॉक अराउंड, तो भाई पूरी बाइक का एक ही नया लुक निकल के आता है, पूरी बॉडी लाइन भाई पूरी तरह से स्प्लेंडर से चेंज करी गई है इस बाइक। साथ के साथ दोस्तों जानने की ये भी इच्छा होगी भाई इसका प्राइस क्या अपन लोगों को भाई पड़ने वाला है, ठीक है, ऑन रोड प्राइस ऑलमोस्ट क्या पड़ेगा अपन लोगों को। और भाई इसके जो सीसी इंजन सीसी है वो तो भाई हमने जान ही लिया है, और इसके क्लस्टर्स में भाई क्या क्या परिवर्तन किया गया है चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले भाई इसके क्लस्टर्स देखते हैं भाई, जो क्लस्टर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको भाई हाई बीम लो बीम का स्विच देखने को मिल जाएगा, टर्न इंडिकेटर राइट लेफ्ट देखने को मिल जाएगा, और भाई हॉर्न का स्विच आपको देखने को मिल जाएगा बाकी भाई। और अगर दूसरी साइड बात करें तो यहाँ पे आपको भाई जो पावर बटन है वो सेल्फ बटन देखने को मिल जाएगा, I3S देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो लगभग जो भाई स्प्लेंडर में जो स्विच दिए जाते हैं वो ऑलमोस्ट आपको सभी इसमें देखने को मिलेंगे। पर वहीं दोस्तों बात करें अगर बाइक के अब आप प्राइस भी जानना चाहोगे, प्राइस के साथ साथ भाई माइलेज क्या रहने वाले, क्या ये माइलेज भाई कम देगा या ज़्यादा देगा, तो भाई बात करें भाई एयर आइस की बात करें तो भाई आपको 95 मतलब 95,000 प्लस रुपये में भाई ये आपको बाइक देखने को मिल जाएगी भाई। मतलब जो मैंने प्राइस आपको बताया है इसी के अराउंड, इसी के आसपास भाई आपको आपके सिटी के अकॉर्डिंग भाई, शोरूम्स के अकॉर्डिंग भाई देखने को मिल जाएगा प्राइस। आप चाहो तो एक बार अपने शोरूम से बात कर सकते हो, और ये जो बाइक है भाई सभी शोरूम्स पर भाई प्रोवाइड कर दी जा चुकी है, आप इजीली इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है भाई। और अगर भाई इसका जो माइलेज की बात करें तो भाई ये जो माइलेज है आपको पर लीटर भाई 70-75 मतलब 65-70 लीटर तक का भाई माइलेज इजीली प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब भाई आप लोग बार बार हमसे पूछते रहते हो कि भाई कौन सा मॉडल भाई स्प्लेंडर में लेना चाहिए, भाई नॉर्मल स्प्लेंडर मॉडल लें या फिर ये एक्सटेक वाला भाई वर्जन लें, तो कौन सा मॉडल भाई बढ़िया लगता है। भाई मेरी मानो तो सभी चीज़ें एक बार आप अच्छे से ढंग से भाई चेक कर लो भाई, यूट्यूब ना सही तो खुद जाओ भाई शोरूम्स पर भाई, जा के चेक करो भाई कौन सा बेस्ट मॉडल आपको लगता है भाई, आपकी फुलफिल पूरी होनी चाहिए भाई, दूसरे की इच्छा पर भाई डिपेंड नहीं करता ये। और भाई ये वाला मॉडल आपको देख के भाई क्या लग रहा है भाई, स्प्लेंडर 01 मॉडल भाई देख लो भाई, इस पर ग्राफिक्स कितना मस्त लग रहा है भाई, स्प्लेंडर लिखा हुआ कितना मस्त है, एक बार फिर से नज़र मार लो भाई, क्या ही इसके मीटर की बात करें भाई, क्या ही इसके टेल सेक्शन की बात करें, क्या ही भाई इसके इंजन की बात करें, और हर एक चीज़ भाई एकदम अच्छी प्रोवाइड आपको दी है। ज़रूर कमेंट में करके कि आपको ये वाला लुक यानी ये वाला जो मॉडल है ये कितना अच्छा लगा आपको, ठीक है, ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट न्यू मॉडल आया है। और बात करें भाई इसकी जो टैंक कैपेसिटी है भाई वो बस पूरा 10 लीटर है, मतलब कि 9.8 लीटर से दिया जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट 10 लीटर ही आपको टैंक कैपेसिटी भी इसमें देखने को मिल जाती है, बढ़ जाएगा। तो एक बार इसका एग्जॉस्ट का साउंड सुन लीजिए, चलिए तो सुनते हैं इसका इंजन का एक बार साउंड, ठीक है, तो सुनिए एक बार। तो भाई देखिए आपको हल्का हल्का सा फर्क मालूम पड़ रहा होगा, जो नॉर्मल स्प्लेंडर है उसका साउंड कैसा है एग्जॉस्ट और इसका साउंड कैसा है, तो भाई ये इतना अंतर आपको दिखाई देने को मिलता है। ऑलमोस्ट बात करें तो भाई पूरी बाइक अपने आप में भाई गेम चेंजर लग रही है ये वाली स्प्लेंडर, ठीक है भाई, 1 मॉडल है, यानी कि एक्सटेक भी इसके सामने कुछ नहीं है। तो आप अपनी राय शेयर करिए कि आपको ये मॉडल, ये बाइक किस कैसी लग रही है, और अगर कोई अदर क्वारी है आपकी इस बाइक को लेके अपने आपके मन में, तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स खाली, कमेंट में भाई करके पूछिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है भाई। और भाई एक बार और भाई इस बाइक पे नज़र मार लीजिए, तो भाई क्या ही लुक प्रोवाइड करती है, ठीक है, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अगर आपको इस बाइक के बारे में और डिटेल्स चाहिए और अच्छे से, तो कमेंट करिएगा, आपको वो भी देखने को मिल जाएगी। तो ये है बाइक का कुछ भाई एक्स्ट्रा एडिशनल लुक।
तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।